हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। वीडियो को देख करके पता चल गया होगा, ये पर्टिकुलर वीडियो जो है वो क्वेश्चन से ही रिलेटेड है और आज हम विद्युत फ्लक्स और गाउस का जो नियम है इससे बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन होंगे ये। क्वेश्चन एम्स एग्ज़ाम में, नीट में, IITs में, इनमें पूछे गए हैं और बेसिक क्वेश्चन है जो हमें पता होने चाहिए, हम सिलेबस के साथ में ही कंप्लीट कर लेते हैं। एक चीज़ जो मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ इन क्वेश्चन को करने से पहले, जो आपको गाउस के नियम में याद रखनी चाहिए वो बात अपन डिस्कस करते हैं। देखिए, गाउस का नियम जब आप लगाते हैं ना बच्चों, तो गाउस के नियम में एक चीज़ पता होनी चाहिए कि गाउस का नियम विद्युत फ्लक्स को डिफाइन करता है, फाई को। और फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है? समाकलन ई वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर या डी ए वैक्टर इज इक्वल्स टू समीशन क्यू डिवाइडेड बाय एप्साइला नॉट। यही गाउस का नियम है, ये हमें पता है, है ना? इस नियम की खास बात क्या है कि ये जो विद्युत फ्लक्स है ना बच्चों, वो डिपेंड कर रहा है आवेश पर। यदि किसी बंद पृष्ठ के पास में आवेश है तो फिर वहाँ पर आप विद्युत फ्लक्स भी देखेंगे, लेकिन अगर आवेश का मान ही जीरो है, किसी बंद पृष्ठ के अंदर आवेश ही जीरो है, तो फिर फ्लक्स का मान भी कितना होगा? जीरो होगा। इस बात को ध्यान में रखिए, अगर कुल आवेश शून्य है तो विद्युत फ्लक्स भी क्या होगा? जीरो ही होगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको पता रखना चाहिए। दूसरा, गाउस के नियम में जब आप विद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करते हो, जैसे ये कोई मैंने बंद पृष्ठ लिया, इस बंद पृष्ठ के अंदर बहुत सारे आवेश हैं, ये वाला Q1 आवेश है, ये वाला Q2 आवेश है, ये यहाँ माइनस का Q3 मान लीजिए या फिर प्लस का Q3 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, और एक यहाँ पर Q4 आवेश है। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि यहाँ पर अगर आपको विद्युत फ्लक्स देखना होता या फिर इस बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स देखना होता तो आप कौन से आवेशों को चूज करते? तो ये बात ध्यान में रखना, जो इस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश है ना, उन्हीं का ही लेना देना है विद्युत फ्लक्स से। बंद पृष्ठ के अंदर जो आवेश है उन्हीं का ही लेना देना है किससे? विद्युत फ्लक्स से। ठीक है, तो जब विद्युत फ्लक्स निकालो तो आप लिखोगे Q1 प्लस Q2 और माइनस का Q3। ठीक है, ये कुल आवेश होना चाहिए। लेकिन अगर विद्युत क्षेत्र बोल दे, लेकिन यदि क्या बोल दे? विद्युत क्षेत्र बोल दे बच्चों, तो फिर दिक्कत है। विद्युत क्षेत्र बच्चों बंद पृष्ठ से नहीं होगा। विद्युत क्षेत्र के लिए हमें कुल जितने भी आवेश है ना, कुल ये है कुल आवेश, Q1 Q2 माइनस का Q3 और Q4, इन सभी के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना होगा और उसका सदिश योग करना होगा। विद्युत क्षेत्र के लिए करना जरूरी। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि वो पूछ क्या रहा है। अगर फ्लक्स पूछ रहा है तो बंद पृष्ठ के अंदर जाओ, और अगर विद्युत क्षेत्र पूछ रहा है तो फिर जितने भी आवेश हैं वो सारे के सारे आवेश जो हैं एक रोल निभाते हैं विद्युत क्षेत्र को कैलकुलेट करने में। ठीक है, चलिए, तो ये बेसिक बात थी। और क्या है इसके अंदर? एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो फ्लक्स है वह निर्भर नहीं करता है। किसके ऊपर निर्भर नहीं करता है? बंद पृष्ठ की आकृति के ऊपर। मतलब जैसे ये बेलन मान लिया, ये यहाँ पर क्या है हमारे पास में? बेलन है। इस बेलन के पास में क्यू आवेश है अंदर, ठीक है, और इस बेलन से संबंधित फ्लक्स कितना होगा? तो आंसर है समीशन क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, जो कि क्या आएगा? क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, बेलन से रिलेटेड। ठीक है, चलिए अब आगे अगर अपन चलें तो इसी चीज को थोड़ा सा, यही आवेश अगर किसी गोले के अंदर होता क्यू, तो फिर इस गोले से रिलेटेड फ्लक्स कितना होता? आंसर वही क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर यही आवेश किसी घन या फिर घनाभ में होता, है ना, घन या फिर घनाभ में होता, यहां पर होता, ठीक, तो भी कितना? क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो कुल मिलाकर के जो फ्लक्स है ना वो डिपेंड कर रहा है कुल आवेश पर जो बंद पृष्ठ के अंदर है, जो बंद पृष्ठ के अंदर है उस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों। ठीक है, उसका कोई लेना देना नहीं है बाहर वाले आवेश से। इस वाले केस में तो मैंने बाहर वाला आवेश लिया भी नहीं है। अब अगर बंद पृष्ठ नहीं है तो फिर आपको उसे बंद पृष्ठ बनाना पड़ेगा। उसको आपको क्या करना पड़ेगा? बंद पृष्ठ बनाना पड़ेगा। तो बंद पृष्ठ बनाओ भाई, बंद पृष्ठ बनाना आना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल अगर मैं लूँ बंद पृष्ठ का, जैसे देखिए सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पर आपके पास में एक बेलन है, ठीक है, अब आवेश बिल्कुल बीचों बीच नहीं है बेलन के, बेलन का ये जो तल है ना यहाँ पर,
तो कुल मिलाकर के आधा आवेश का भाग तो बेलन के अंदर है और आधा आवेश का भाग बेलन के बाहर भी है। और पूछ रहा है कि इस वाले बेलन से रिलेटेड कितना फ्लक्स होगा, तो पहले तो ये समझिए कि क्या ये जो आवेश है वो ढका हुआ है। आंसर है नहीं भैया, पृष्ठ के ऊपर है तो ढका हुआ नहीं है, इसको तो ढकना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, एक और ऐसा का ऐसा बेलन ले लिया, ऐसा का ऐसा एक और बेलन ले लिया। अब देखो अभी आवेश क्या हो गया, अब तो ये ढक गया, क्लियर है। और ये आवेश कितना माना हमने, क्यू आवेश मान लिया। तो अब इस क्यू आवेश को ढकने के लिए कितने बेलन मिले आपको, दो बेलन चाहिए, ठीक है। एक बेलन नहीं चाहिए, दो सिलेंडर चाहिए, दो बेलन चाहिए। तो फिर दो बेलनों से कितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा, दो बेलन से कितना विद्युत फ्लक्स, आंसर है क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। गाउस का नियम तो यही बोलता है। तो एक बेलन से ही चाहिए हमें, तो इस वाले बेलन से ही चाहिए था, तो हम बोलेंगे एक बेलन से कितना होगा, आधा कर दो इसका, सीधी सी बात है, क्यू डिवाइडेड बाय टू एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ गई, क्लियर। ये चीज कैसे भी दे सकता था, जैसे ये चीज वो बोल देता कि ये एक क्या है, अर्धगोला है, ठीक है, अर्धगोले के तल पर या फिर अर्धगोले के केंद्र पर, ये केंद्र हुआ, इस केंद्र पर क्यू आवेश है, ठीक है, तो इस अर्धगोले से संबंधित कुल फ्लक्स क्या होगा। तो हमने देखा कि भैया ये आवेश तो ढका हुआ नहीं है, हमें इसे क्या करना पड़ेगा, ढकना पड़ेगा। तो ये लो हमने ढक दिया, ठीक है, ढक दिया। तो अब पूरे गोले से कितना फ्लक्स, पूरे गोले से कितना, क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आधे गोले से कितना होगा, इसका आधा हो जाना चाहिए, एक बटा दो से गुणा कर देना आधे गोले से, ठीक है। ये आपको देखना पड़ेगा भाई, है ना, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। बात समझ में आई मेरी, ये कि ये चीजें हमें किसके साथ में करनी है, घन और घनाभ के लिए करनी है, है ना। घन और घनाभ के अंदर भी देखो, घन वाला पार्ट तो वैसे मेरे हिसाब से आप सभी को पता होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, वो तो आप सभी कर लेंगे, क्लियर है ना। घन और घनाभ वाला तो क्लियर है। और अगर आपको घनाभ वाले में दिक्कत है या घन वाले में दिक्कत है, तो मैं एक वीडियो शेयर कर दूंगा जिसमें मैंने घन की सारी परिस्थितियां बता रखी हैं, ठीक है। तो वो वीडियो पहले जरूर देख लीजिएगा, उस वीडियो के अंदर हमने घन से रिलेटेड सारी परिस्थितियों को डिस्कस कर रखा है, तो वहां पर आप आसानी से देख सकते हैं। बस ध्यान में रखिएगा कि हमें आवेश को क्या करना है, ढकना है, किसी भी ना किसी भी तरीके से उसे ढक लेना है, ठीक है। कई बार ये भी बोल देता है बच्चों कि देखना, इस सवाल को समझना, कि कोई गोला है ना, और गोले के केंद्र पर कोई क्यू आवेश है, इस गोले की त्रिज्या r है, स्मॉल r है, और बोल रहा है कि इस गोले के केंद्र पर क्यू आवेश है, तो इससे संबंधित फ्लक्स क्यू डिवाइडेड बाय क्या है, एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। यदि इस गोले की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए, कितना कर दो, 2r कर दो, गोले की त्रिज्या को क्या कर दो, 2r कर दो, और आवेश अभी भी वही क्यू अंदर है, ठीक है, तो फिर इस गोले से रिलेटेड फ्लक्स क्या होगा। तो ये बात ध्यान में रखना, विद्युत फ्लक्स निर्भर नहीं करता आकार और आकृति पर। तो आकृति को चाहे तुम दुगुना करो चाहे तिगुना करो, त्रिज्या को चाहे एक गुना करो चाहे दो गुना करो, चाहे उस त्रिज्या को आधा कर दो, उसमें अगर आपने आवेश को परिवर्तित नहीं किया है, आवेश को परिवर्तित नहीं किया है, तो फिर फ्लक्स भी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। ये चीज हमें दिमाग में रखनी है, है ना, इस चीज को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, डन, ऑल राइट। चलिए तो अब क्वेश्चन करना चालू करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन कर लेंगे, सिंपल से क्वेश्चन है हमारे पास में। देखो सबसे पहला सवाल क्या बोल रहा है, आर त्रिज्या, पेन चेंज कर लेते हैं, आर त्रिज्या तथा एल लंबाई के एक बेलन को एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र ई के अनुदिश अक्ष पे रखा गया है, बेलन के पृष्ठ से संपूर्ण फ्लक्स हेतु व्यंजक। देखो क्या बोल रहा है, आर त्रिज्या और एल लंबाई का बेलन, चलो एक बेलन बनाते हैं जिसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, एल होनी चाहिए, यहां से तो मैं बेलन नहीं बना पाऊंगा, चलो रेक्टेंगल लेते हैं, बन गया बेलन। इस बेलन की लंबाई कितनी, L,
इस बेलन की ये जो त्रिज्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितनी है, आर है, ठीक है। एक समान विद्युत क्षेत्र के अनुदिश अक्ष में रखा गया है, ऐसा मान लीजिए इसके अक्ष के अनुदिश, तो ये बेलन का अक्ष ऐसे मान लेता हूँ, तो विद्युत क्षेत्र भी ऐसा है, यू यू ऐसा विद्युत क्षेत्र जा रहा है, ठीक है। और ये विद्युत क्षेत्र कौन सा है, ई विद्युत क्षेत्र मान लीजिए। तो फिर बेलन के पृष्ठ से संपूर्ण फ्लक्स हेतु व्यंजक, तो फिर इस बेलन से कितना फ्लक्स निकल रहा है, इससे कितना फ्लक्स संबंधित है वो देखो। तो पहली बात तो ये समझिए, क्या इस बेलन के अंदर आवेश था, आंसर है नहीं, कोई आवेश नहीं था। अब चूंकि इसके पास में आवेश ही नहीं है, तुमने बोला गाउस का नियम लगाओ भाई, फाइ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि आवेश ही नहीं है, ठीक है, आवेश नहीं है तो फिर फ्लक्स शून्य, सिंपल सा सवाल था, डी आएगा इसका शून्य, है ना, दिमाग लगाने की ज़्यादा जरूरत ही नहीं थी। दूसरा सवाल देखो, विद्युत क्षेत्र आर की घात शून्य के साथ परिवर्तित होता है, आर की घात शून्य का मतलब आर पे निर्भर नहीं करता, है ना, तो विद्युत क्षेत्र आर पे निर्भर नहीं करता, किसके कारण वो देखो, विद्युत द्विध्रुव के कारण, नहीं भाई विद्युत द्विध्रुव के कारण तो निर्भर करता है, कैसे, हमें पता है कितना होता है, के पी डिवाइडेड बाय आर क्यूब या फिर 2kp डिवाइडेड बाय आर क्यूब, आप सभी को पता होगा, ये अक्ष का था और ये निरक्ष का था, तो आर पे तो निर्भर कर रहा है यहाँ पर, किसमें, द्विध्रुव में। फिर बिंदु आवेश के कारण कितना होता है विद्युत क्षेत्र, ये होता है के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, देखो आर पे निर्भर कर रहा है, ठीक है। फिर आगे देखो, आवेश एक अनंत चादर के कारण, अनंत चादर बोल रहा है, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, बताओ भाई कहीं आर आया क्या, नहीं आया, आर नहीं आया, इसका मतलब अनंत चादर वाला ही सिनेरियो बोल रहा है वो, इसमें आर पे निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो हमें क्या लगाना है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट, ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। देखो, ए भुजा वाले एक घन के केंद्र पर एक विद्युत आवेश क्यू रखा गया है, इसके फलक में से एक फलक पर अभिवाह का मान होगा, अभिवाह मतलब इलेक्ट्रिकल फ्लक्स या फिर फ्लक्स, अभिवाह वैसे फ्लक्स होता है, विद्युत अभिवाह मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, तो क्या बोल रहा है वो समझिए, वो बोल रहा है कि एक क्या है बच्चों, घन है, ये घन है, और घन के केंद्र पर क्या रखा हुआ है, एक आवेश रखा हुआ है, यहाँ पर क्यों आवेश है, ठीक है। तो फिर इसके फलकों में से एक फलक पर, किसी घन के पास में कितने फलक हो सकते हैं, 6 फलक हो सकते हैं, कितने, 6 फलक, सभी को पता है, और 6 फलकों में से वो सिर्फ एक ही फलक से निकलने वाले फ्लक्स की बात कर रहे हैं, तो हमने बोला क्यू आवेश बिल्कुल बीचों बीच में है, तो फिर घन से संबंधित फ्लक्स कितना होगा, आंसर है क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और जितना घन से है उतना ही 6 फलकों से है, तो फिर 6 फलकों से कितना फ्लक्स है, 6 फलकों से कितना, इतना, तो एक फलक से कितना होगा, एक फेस से कितना होगा, इसका 1/6 हिस्सा हो जाएगा क्या, यही होना चाहिए, तो आंसर क्या आएगा बच्चों, पता चल रहा है क्या, क्या, Q डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, डन हो गया होगा मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, क्लियर हुआ ये, ये चीज क्लियर है ना, चलो आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है, वायु में स्थित इकाई धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होगा, ये आपकी बुक का सवाल है, इकाई आवेश से संबंधित, इकाई धनात्मक आवेश से संबंधित विद्युत फ्लक्स कितना होता है, कितना होता है भाई, फाइ इज इक्वल्स टू कितना लिखते हो, क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू की जगह कितना, 1 रख दो, तो 1/ε₀, एप्सिलॉन नॉट को ऊपर लेकर के जाओ, तो फाइ बराबर एप्सिलॉन नॉट इनवर्स हो जाएगा क्या, आपकी बुक का क्वेश्चन है ये, एप्सिलॉन नॉट इनवर्स, है ना, आ गया, देखो PET में इंजीनियरिंग का सवाल है ये, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्लियर है बच्चों,
देखो अब आगे देखो, बोल रहा है पांचवें सवाल में, किसी दिए गए तल के लिए गाउस का नियम इस प्रकार लिखते हैं, और ये आपको E डॉट डी एस इज इक्वल्स टू जीरो दे रखा है बंद पृष्ठ के लिए, इसका निष्कर्ष क्या निकालोगे भाई? अरे E डॉट डी एस वो भी बंद पृष्ठ के लिए शून्य है, इसका मतलब क्या हुआ? फ्लक्स का मान शून्य है, मतलब जितना फ्लक्स आ रहा है उतना ही फ्लक्स जा रहा है, आने वाले फ्लक्स का मान जाने वाले फ्लक्स के क्या है? तुल्य है, ठीक है। आने वाले फ्लक्स को माइनस का देखते हैं, बाहर जाने वाले फ्लक्स को प्लस का देखते हैं, ध्यान में रखिएगा ये, ठीक है। चलिए तो इसमें क्या होना चाहिए, तल पर ई अवश्य ही शून्य है। नहीं भैया, ई शून्य नहीं है, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि ई ही शून्य हो। फिर तल के प्रत्येक बिंदु पर ई तल के लंबवत है। नहीं भैया, तल के लंबवत है तो फिर कोस जीरो हो जाएगा। लंबवत मतलब ये तल मानो, है ना, और विद्युत क्षेत्र इस तल के लंबवत मतलब ऐसा, और तल का क्षेत्रफल सदिश भी इसी दिशा में दिखेगा, तो ई और डी एस के बीच का एंगल देखोगे तो थीटा बराबर तो जीरो डिग्री आ जाएगा, ये तो मैक्सिमम हो जाएगा इस केस में तो फ्लक्स। नहीं भैया, तो गलत है, तल से होकर संपूर्ण फ्लक्स शून्य है, ये बिल्कुल सही है। तल से संबंधित जो टोटल फ्लक्स है ना बच्चों, वो कितना है? शून्य है, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चलिए तो ये क्लियर हुआ, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है, देखिए क्या बोल रहा है। एक घन जिसकी भुजा L है, घन की भुजा L बता रहा है, को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, जबकि E बराबर E I कैप मतलब x दिशा में जा रहा है। इस घन से निकलने वाला फ्लक्स का मान होगा, देखो कहीं घन के अंदर आवेश बोल रहा है, नहीं बोल रहा, जब आवेश नहीं बोल रहा तो फ्लक्स का मान कितना होगा? शून्य। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए सवाल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ही आपको सवाल दिया था, और कुछ नहीं है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। एक घन के अंदर ई परिमाण, स्मॉल ई आवेश है, ई परिमाण के आवेश वाले 8 विद्युत द्विध्रुव रखे हुए हैं, ठीक है। घन से निर्गत कुल फ्लक्स कितना होगा? जीरो। विद्युत द्विध्रुव के कारण भी फ्लक्स कितना होता है? जीरो, क्योंकि द्विध्रुव में जितना प्लस होता है उतना ही माइनस होता है, ध्यान में रखो बच्चों, ये क्लियर हो गया। इसलिए क्योंकि कुल आवेश शून्य है, आपने जितने द्विध्रुव रखो, चाहे 1000 रखो चाहे 1,00,000 रखो, आवेश तो शून्य ही रहेगा द्विध्रुव के कारण, ठीक है। ओके, तो ये भी डन हुआ। आगे चलो नवे वाले सवाल में। एक आवेश क्यू बेलनाकार पात्र के खुले मुख के केंद्र पर रखा हुआ है, इस पात्र की सतह से गुजरने वाला फ्लक्स होगा। ये सवाल अच्छा है, देखो क्या बोल रहा है। एक आवेश क्यू बेलनाकार पात्र के खुले मुख के केंद्र पर रखा हुआ है, जो भी थोड़ी देर पहले मैंने सवाल करवाया था इनडायरेक्टली मान लीजिए मैंने, लेकिन बोला यही था कि ऐसा कोई बेलन ले लो, ठीक है, और यस, है ना। अब बोल रहा है कि ये जो खुला भाग है ना इसका, इस खुले भाग के केंद्र पर यहां पर क्या रखा है? एक आवेश क्यों रखा हुआ है, ऐसा बोल रहा है। इस पात्र की सतह से गुजरने वाला, अब इस पात्र की सतह तो ये पूरी हो गई, इससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा वो समझिए, कितना बताओगे भाई मेरे को, कितना बताओगे सोचो। तो आप बोलोगे कि भैया इसको तो ढकना पड़ेगा, ढको, ऐसा एक और बेलन लगा दिया, ढका तो दो बेलन से निकलने वाला फ्लक्स क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, तो फिर एक बेलन से कितना? क्यू बटा दो एप्सिलॉन नॉट, आधा हो जाना चाहिए ना, ठीक। ये भी मैंने करवाया है सवाल, है अभी करवाया था ना, कितना क्यू डिवाइडेड बाई टू एप्सिलॉन नॉट, पता चला ये, देखो सवाल ही आ गया, वो सवाल ही आ गया। आगे देखिए दसवां सवाल, क्या बोल रहा है दसवें सवाल के अंदर, वो बोल रहा है कि गाउस प्रमेय का उपयोग करके विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए गोलीय गाउस पृष्ठ लेना सुविधाजनक नहीं होता। बिल्कुल सही बात है,
देखो, विद्युत द्विध्रुव के कारण जब हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं तो हम कभी भी गाउसीय पृष्ठ का उपयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर उससे निकालेंगे तो विद्युत फ्लक्स टोटल जीरो हो जाएगा। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत फ्लक्स कितना होता है? जीरो होता है। और अगर विद्युत फ्लक्स के कारण विद्युत फ्लक्स जीरो हो गया तो फिर विद्युत क्षेत्र निकालने में क्या आएगी? दिक्कत आएगी। ठीक है, निकालने में दिक्कत आएगी। तो फिर हमारा तरीका जो है वो सामान्य बिंदु आवेश के कारण होता है, आप सभी को पता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है भैया, मेन कारण क्या है? सममितता वाली चीज है, ये बात ध्यान में रखना। तो हम बोलते हैं इस प्रश्न में गोलीय सममितता नहीं है, ये बात ध्यान में रखिए। और कोई कारण नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गोलीय सममितता नहीं होती, नहीं तो अगर ये होता तो फिर हम काम करते। ठीक, ग्यारहवा देखिए, गाउस प्रमेय के अनुसार अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है बच्चों? 2k λ/r। आप देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र जो है वो 1/r के समानुपाती या फिर r के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है? अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब समानुपाती। समानुपाती किसके? 1/r के। व्युत्क्रमानुपाती किसके? r के। ठीक है, तो अभी तो समानुपाती के लिए पूछ रहा है इसलिए डी ऑप्शन लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो क्या आएगा? 1/r आएगा बच्चों, 1/r इसका आंसर है, ध्यान में रखें। ठीक है, क्या ऑप्शन है इसका? 1/r। आगे देखिए, अरे ये सवाल का पैटर्न बताना भूल गया मैं, बहुत बढ़िया सवाल है। देखो क्या होता है इस तरीके के सवाल के अंदर, समझना। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे पास में एक कोई भी घन है, ये घन मान लीजिए है ना, और इस घन के बीचों बीच से ऐसे कोई तार जा रहा है यो। ठीक है, और इस तार की अपनी एक प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी है भाई? कि ये आवेशित तार है। ये क्या है? आवेशित तार है ये, और आवेशित तार है, समरूप आवेशित तार है। ठीक, और इस समरूप आवेशित तार की क्या खास बात है? कि भाई इसके पास में इसके एकांक लंबाई पर, एकांक लंबाई मतलब इसकी 1 मीटर लंबाई मान लेता हूं मैं, कि इसकी 1 मीटर लंबाई पर, 1 मीटर पर 100 μC आवेश। कितना आवेश है? 100 μC। तो मेरे लिए इसका रेखीय आवेश घनत्व कितना हो गया? 100 μC हो गया। क्या ये मैंने सवाल वाला ही तो डेटा नहीं ले लिया है? शायद मैंने सवाल वाला ही डेटा ले लिया, चलो देखी जाएगी भाई। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बोल रहा है कि ये तार किससे गुजर रहा है? किसी भी घनाभ से गुजर रहा है, और इस घनाभ की लंबाई जो है वो बच्चों 0.5 मीटर है। कितनी है? 0.5 मीटर घनाभ की लंबाई। तो इस घनाभ से संबंधित फ्लक्स क्या होगा? तो इस घनाभ से संबंधित फ्लक्स क्या होगा ये पूछ रहा है। और फ्लक्स निकालने के लिए आपको पता है भाई हमें क्या चाहिए? समीशन क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट चाहिए, यही चाहिए। ठीक, मेरे को समीशन क्यू चाहिए, समीशन क्यू जो कि इस तार के अंदर है, सॉरी इस तार के नहीं, इस घनाभ के अंदर है, दिख रहा है? अब कैसे पता चलेगा? तो हमने बोला कि 1 मीटर तार के 1 मीटर पर अगर 100 μC है तो 0.5 मीटर पे कितनी होगी? 0.5 मीटर पे 50 μC होगा। क्लियर है? 0.5 मीटर पे क्या होगा? 50 μC होगा। तो समीशन क्यों कितना हो गया? 50 μC। उसमें किसका भाग लग जाएगा? एप्सिलॉन नॉट का। इस तरीके से काम करना है। कहने का मतलब मेरा सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो भी आपको तार का क्या दे रखा हो बच्चों, लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व, उसको मल्टीप्लाई कर दो जितनी लंबाई का वृत्त दे रखा है या जितनी लंबाई का घनाभ दे रखा है या जो भी दे रखा है, ठीक है, उसकी लंबाई से गुणा कर दो। ठीक है, समीशन क्यों निकालने का तरीका क्या है? रेखीय आवेश घनत्व को लंबाई से मल्टीप्लाई कर दो और उसके अंदर किसका डिवाइड लगा देना? एप्सिलॉन नॉट का। ये आ जाएगा फ्लक्स। ठीक है, और ये पैटर्न बहुत सारे सवालों में उपयोग में लिया गया है बच्चों, एक अच्छे पैटर्न का सवाल भी है। आज इस क्वेश्चन को अपन यहीं पे एंड कर देंगे, इस वीडियो को अपन इतना ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे, तो 2 पार्ट के अंदर मैं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवा दूंगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं जो आपके सामने है बच्चों।
इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं कि ये सवाल कैसे किया जाना चाहिए। देखिए क्या बोल रहा है, 1 मिलीमीटर त्रिज्या के सीधे लंबे तार पर एक समान आवेश वितरित है। ये जो तार है ना, इस पर एक समान आवेश वितरित है। तार पर प्रति सेंटीमीटर लंबाई पर क्यू आवेश है। प्रति सेंटीमीटर मतलब तार के 1 सेंटीमीटर पर कितना आवेश है क्यू। तो लैम्डा का मान अगर मैं देखूं तो क्यू कूलाम प्रति सेंटीमीटर है, यही है ना, कूलाम प्रति सेंटीमीटर है बच्चों, इस बार है ना सेंटीमीटर में दिया हुआ है। एक अन्य बेलन ये आपको दिखाई दे रहा है, एक अन्य बेलन पृष्ठ जिसकी त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, बेलन की, एक मिनट, बेलन की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है, तथा लंबाई 1 मीटर है। बेलन की लंबाई समझो 1 मीटर है, बेलन की लंबाई L बराबर कितनी है बच्चों, 1 मीटर है। अब मैं अगर इस लैम्डा के अकॉर्डिंग चलूं तो फिर इसे 1 मीटर को मैं क्या बनाऊं, 100 सेंटीमीटर बनाऊं भाई, ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए काम करते हैं। हाँ, 1 मीटर है, चित्रानुसार सममित रूप से तार को घेरती है, बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, कितना होगा रे देवताओं बताओ, समीशन क्यू कितना आएगा। तो मैंने आपको बताया था समीशन क्यू बराबर आपको लैम्डा एल लेना है, और लैम्डा में अगर सेंटीमीटर है तो एल में भी सेंटीमीटर होना चाहिए, और अगर लैम्डा में मीटर है तो एल में भी मीटर ही होना चाहिए, दोनों का मात्रक समान होना चाहिए। ठीक है, बस इतना ही गौर करना है आपको, और फ्लक्स निकालना है तो फिर किसका भाग, एप्सिलॉन नॉट का भाग लगा दीजिए, यही बताया है मैंने। इस सवाल में लैम्डा का मान कितना दे रखा है, क्यू दे रखा है, ठीक है, सेंटीमीटर में, और लंबाई का मान अगर सेंटीमीटर में देखूं तो मैं कितना है मेरे पास में, 100 है, भाग किसका लगाऊं, एप्सिलॉन नॉट का, आंसर क्या आएगा, 100 क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। पता चल रहा है क्या देवताओं, पता चला। तो देखो इसके अंदर ऑप्शन कौन सा बैठा, ये लो बी ऑप्शन, पता चला बी इज करेक्ट, है ना, बी बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, इन सवालों में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, बेसिक चीज़ें हैं, उनको फॉलो करते जाइए, आपके क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बच्चों इतना ही, छोटे छोटे से वीडियो आएंगे लेकिन इन्हें देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बेस्ड ही वीडियो होंगे। ठीक है, हैव अ गुड डे, टेक केयर।